स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कार्बोनिल्स कंपाउंड्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक है कार्बोनिल्स कंपाउंड्स का, लेकिन उसको करने से पहले हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को पता है, सिलेबस में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले वो इस चैप्टर का हिस्सा था, अब इस चैप्टर का वो पोर्शन नहीं है, लेकिन जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके लिए उसका थोड़ा सा जानना जरूरी है। मेबी कुछ बच्चों को उस चीज का पता हो, कुछ को नहीं पता, तो हम एक बार देख लेंगे ताकि जो हमारा टॉपिक है, मेन कंसेप्ट है, हमें समझ में आ जाए। अब हम ये देख रहे हैं, हम चैप्टर क्या है हमारा, कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड्स। कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2-4। हम सबको पता चल चुका है कार्बन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना लूज करता है, बल्कि क्या करता है, वो हमेशा शेयरिंग करता है। अब और यहां से हमें ये भी पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की। और कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बनाने का आपने ऑर्गेनिक सुना होगा, ऑर्गेनिक नाम सुना, ये चैप्टर उससे रिलेटेड। जो कार्बन है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन एलिमेंट होता है, उसी की स्टडी पूरे चैप्टर में की जाती है। तो हम अब हमें देखते हैं कि कार्बन है जो वो कंपाउंड्स कैसे बनाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, मीथेन, इथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल, एल्कोहल, ये सब कुछ सुने होंगे। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं सब चीजों से डील करते हैं। और ये मीथेन, इथेन, मिथेनॉल, ये सब कुछ नाम कहाँ से आते हैं, वही चीज हमें अब इसमें देखनी है। अब देखो, पहले हम बॉन्डिंग समझते हैं कार्बन। कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4। और मैक्सिमम टाइम अगर हमारे पास कोई और एलिमेंट नहीं है, कार्बन के वो चारों बॉन्ड 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ होते हैं, राइट? अगर मैक्सिमम टाइम वो सारे चारों बॉन्ड किसके बीच में होते हैं, 4 कार्बन के बीच में। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH4। इसी तरह अगर बात करें 2 कार्बन का कंपाउंड, कि भाई किसी कंपाउंड में हमारे 2 कार्बन है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों कार्बन लिखो, उन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड डाल दो, ठीक है? अब दोनों कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4-4 बनाएंगी। जितने बॉन्ड की कमी रह जाती है, एक बॉन्ड तो दूसरे कार्बन ने आपस में पूरा कर लिया, अब कितने बॉन्ड की कमी रहेगी, दोनों को 3-3 बॉन्ड्स की कमी है, तो वहां पर उतने ही हाइड्रोजन आ जाते हैं। इधर 3 की कमी थी तो 3 हाइड्रोजन हमारे आ गए, इधर 3 की कमी थी तो इधर हमारे 3 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है? तो कार्बन इस तरह बॉन्ड बनाती है, जितने बॉन्ड की कार्बन में कमी रहती है, जब जहां भी वहां पर वो हाइड्रोजन को अपने साथ चिपका लेती है, बिठा लेती है। अब हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है। माना कि अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत काम आएगा। तो प्लस वन प्लस टू में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब जिस तरह मैं टेबल बनाऊंगी, जैसे मैं टेबल बनाऊंगी, उसी तरह हमें वो बनानी है। कोई भी कॉलम आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी बात, उसी तरह आगे भी इन फ्यूचर में जब भी उसे करोगे तो वो उस कॉलम के अकॉर्डिंग ही याद करना है। ऐसा क्यों करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी, फर्स्ट कॉलम होगा हमारा साइड चेन। क्या कॉलम होगा हमारा, फर्स्ट साइड चेन। साइड चेन का मतलब क्या होता है, वो
साइड चेन का क्या मतलब? जैसे अगर हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन लिखा हुआ है, तो वहां पर इसका नाम हो जाएगा फ्लोर। नाम क्या होता है? हम जो नाम याद करते हैं वो होता है फ्लोरीन। लेकिन जब वो फ्लोरीन हमारा क्या होगा? साइड चेन, तो उसका नाम होगा फ्लोरो। क्या नाम होगा? फ्लोरो। इसी तरह बात करते हैं हम क्लोरीन की, उसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो हो जाएगा। ब्रोमीन होता है, उसका नाम होगा ब्रोम। देखो स्टार्टिंग में ये याद ही करने पड़ेंगे हमें, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। ये चीज हमें स्टार्टिंग में याद ही करनी पड़ती है, लेकिन हाँ जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं चीजों की, ये हमें खुद याद हो जाती है। हम एग्जाम्पल्स इतने कर लेंगे इसके ताकि ये हम बाद में भूले ही ना कभी, हमें प्रॉपरली खुद से याद हो जाएंगे। इसी तरह अगर आयोडीन हो वहां पर, तो नाम हो जाएगा आयोडो। क्या नाम हो जाएगा? आयोडो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा साइक्लो। नेक्स्ट कॉलम साइक्लो। साइक्लो का मतलब है कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गया, ये हो गया। हमें इनका नाम लिखना है, ये बने हो तो हमें वहां पर लिखना है साइक्लिक। क्या लिखना है हमें? साइक्लिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझते हैं ना। अगर कुछ इस तरह की कभी भी फिगर बनी हो हमारे डायग्राम, हमारी स्ट्रक्चर में, तो हमें वहां पर कुछ नहीं करना, सीधा बस लिख देना है साइक्लो। राइट, अब आगे बात करते हैं कार्बन चेन की। इसकी बात करते हैं कार्बन चेन की। अब कार्बन चेन में देखो क्या होता है, अगर हमारे पास कंपाउंड में एक कार्बन हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम मिथ। क्या यूज करते हैं हम? मिथ। अगर हमारे पास कितने कार्बन हो? दो कार्बन हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं इथ। तीन कार्बन है उसके लिए यूज करते हैं हम प्रो। चार कार्बन होती है तो उसके लिए यूज करते हैं हम ब्यूट। क्या यूज करते हैं? ब्यूट। वहीं हमारे पास अगर हो फाइव कार्बन, देन वी विल यूज पेन। क्या यूज करेंगे? पेन। सिक्स कार्बन के लिए यूज करते हैं हम हेक्स। क्या यूज करते हैं? हेक्स। वहीं सेवन कार्बन के लिए हेप। एट कार्बन के लिए ऑक्ट। नाइन कार्बन के लिए नॉन। टेन कार्बन के लिए डेक। क्या यूज करते हैं? टेन कार्बन के लिए डेक यूज करते हैं। ठीक है, अगर एक कार्बन है हमारी कंपाउंड में तो उसका नाम हमेशा मैथ से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? मैथ से। वही अगर हमारी है दो कार्बन तो हमेशा उसका नाम क्या लिखा जाएगा? एच से लिखा जाएगा। कभी भी इसके अलावा और कोई नाम, आईयूपीएसी नेम की बात कर रही हूँ। ठीक है, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए हेप, आठ के लिए होगा हमारा ओक, नौ के लिए नॉन और दस के लिए डेक। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, अब हमने बॉन्ड्स तो देख ही लिए थे, बॉन्ड हम देख चुके थे, सिंगल भी देख लिया था, डबल कैसे बनता है, ट्रिपल कैसे बनता है, ये बॉन्ड्स हम देख चुके थे। अब बॉन्ड की बात करें तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम एन। क्या यूज करेंगे वर्ड? एन। जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है एन। क्या यूज होता है वर्ड? एन। डबल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होगा हमारा ईन। मतलब जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे CO2 था, CO2 में डबल बॉन्ड होता है,
तो इस तरह जो हम आगे कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनमें अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम उसके लिए यूज करेंगे टीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है आयन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है? आयन। ये हो गया था हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट है फोर्थ, और नेक्स्ट अब जा रही हूं मैं फिफ्थ। मेरे में स्पेस कम है पर आपकी कॉपियों में स्पेस होगा, तो अब फिफ्थ की बात करते हैं। इसे पूरा अच्छे से खोल के बनाना। फिफ्थ है हमारा ग्रुप, मतलब कॉलम नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे अल्कोहल सुना होगा आपने, वर्ड एसिड वर्ड सुना होगा। अब अल्कोहल अलग कैटेगरी हो गई, एसिड अलग कैटेगरी होगी, तो इनके लिए ना सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे हमें कैसे पता चलेगा भाई ये अल्कोहल है? फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए उसकी पहचान होती है। कहीं OH लिखा हो किसी कंपाउंड में, क्या लिखा हो? OH, ये अल्कोहल के लिए यूज होता है, और इसके लिए वर्ड यूज होता है ओल। क्या वर्ड यूज होगा? ओल। जैसे सुना होगा आपने मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे अल्कोहल्स होते हैं, और उनमें सब में OH प्रेजेंट होता है, इसलिए साउंड आती है ओल। इसी तरह एक ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप से हम उसके फंक्शन का पता कर पाते। अल्कोहल का सभी को पता है, एसिड को सभी को पता है, तो जैसे इनका अलग अलग फंक्शन होता है, इनके अलग अलग काम होते हैं, इसी तरह जो आगे मैं लिखती हूँ उनके भी अलग अलग काम होते हैं। अभी दो सुने हैं, दो से पहचान है, अब इनको भी हम, इनसे भी हम फैमिलियर हो जाएंगे। सी एच होता है एल्डिहाइड के लिए, और इसके लिए यूज होता है हमारे पास अल। क्या यूज होता है? अल। इसी तरह सी ओ ओ एच भी होता है, ये यूज होता है ऑक्सैलिक एसिड के लिए, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। किसके लिए यूज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। इसी तरह CO होता है हमारे पास, कीटोन ग्रुप होता है, इसके लिए यूज होता है कोन। आपको सिर्फ ये OH, ओल, ये सब याद करने की जरूरत, ठीक है? सिर्फ इतने ही याद कर लो, फिर इससे काम चल जाएगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो OH के लिए क्या यूज होगा? ओल। CH2 के लिए क्या यूज होगा? अल। COOH के लिए क्या यूज होगा? ओइक एसिड। और CO कहीं पर दिख जाए, ओन। अब कैसे दिखते हैं वो मैं बताती हूँ। अब देखो, जैसे कोई कंपाउंड है मेरे पास लिखा हुआ है CH2। सबसे पहले क्या होता है, हमें कार्बन का नंबर्स गिनना होता है। क्या करना है हमें? कार्बन का नंबर गिनना होता है। गिन लेते हैं, यहाँ पे भी CH3 है, 1 2 3 4। यहां से गिनो तो 1 2 3 4, एक के बाद है तो कहीं से कम से गिनो। तो चार कार्बन है हमारी। अब हमने कहा था जैसे हमने टेबल बनाई है वैसे ही हमें नाम लिखना, मतलब सबसे पहले इनमें से कुछ दिखे तो उनका नाम आएगा। क्या इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा कुछ है? नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। क्या इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं? नहीं बने हुए, तो हम नहीं लिखेंगे। अब थर्ड की बात आती है, लेकिन कार्बन चेन तो है यहाँ पर, कितनी कार्बन है? चार कार्बन है, और चार कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्यूट। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर ब्यूट। अब बॉन्ड्स की बात करते हैं, सारे बॉन्ड हमें कैसे दिख रहे हैं? सिंगल सिंगल, और हाइड्रोजन तो बनाती ही सिंगल है, तो यहाँ पर सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने अभी देखा क्या वर्ड यूज होता है? एन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद एन।
इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप की, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, क्या कोई OHCOH CHOCO ऐसा कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ तो हम उसे लिखे भी नहीं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ब्यूट ए। इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल इसी से ही ले लूं, ये रहा हमारा एग्जांपल। अब फिर इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, चार ही कार्बन है फोर डिफरेंस। लेकिन अब देखो इसमें COOH जुड़ा होता है, और जब भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो जो उसका कार्बन होता है उसको हम पहला नंबर देंगे, या उसके पास वाले कार्बन को हमेशा हम पहला नंबर देते हैं। तो हम गिनती अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, इस तरह हमने नंबरिंग शुरू की। अगर मैं नंबरिंग का रूल लिखूं, चलो मैं लिख दूंगी, पहले इसको देख लेते हैं। अब वही बात, क्या कोई साइड चेन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं ले लेती हूँ इसको भी, ये कुछ इस तरह बना दू। अब बात कर रहे हैं हम साइड चेन की, साइड चेन है, हाँ भाई फ्लोरीन लिख रहा है मुझे, फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, फ्लोरो। अब है तो मुझे लिखना पड़ेगा, लिख दिया मैंने। अब फ्लोरो लिखने का मतलब क्या है, अब मुझे फ्लोरो के साथ नंबर भी लिखना पड़ेगा कि वो कौन सी कार्बन से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे उसके नाम से इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़े, अब इसमें तो चार चार कार्बन है, मैं तो अपनी मर्जी से कहीं भी जोड़ दूंगी, अगर मैंने फ्लोरीन का अता पता नहीं मेंशन किया तो हम यहाँ पर फ्लोरीन का पता मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन कितने कार्बन से जुड़ी है, थर्ड कार्बन से, तो यहाँ पर नाम होगा 3-फ्लोरो। क्या नाम होगा, 3-फ्लोरो, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चेन जुड़ी है उसका एड्रेस जरूर लिखना है, नहीं तो गलत पते पे पहुंच जाएंगे आपको। तो ये हो गया 3-फ्लोरो। क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, नहीं है तो हम उसे नहीं लिखेंगे, होता तो लिख देते। अब आते हैं कार्बन की बारी, कितने कार्बन है, चार, चार कार्बन के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड सारे सिंगल ही है हमारे, सिंगल बॉन्ड होने का मतलब क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, लिख दिए। अब फंक्शनल ग्रुप, ऑब्वियसली बात है फंक्शनल ग्रुप तो हमें दिखाई दे ही रहा है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में देखो COOH के लिए क्या यूज होता है, ओइक एसिड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और ओइक एसिड कितने नंबर पे लगा हुआ है, फर्स्ट पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1-ओइक एसिड। तो इसका नाम होगा 3-फ्लोरो-ब्यूट-एन-1-ओइक एसिड। अब मैं ऊपर आपको नंबरिंग का रूल लिख देती हूँ, जब हमें नंबरिंग करनी है ऐसे, रूल फॉर नंबरिंग। नंबरिंग के रूल में हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर उस कार्बन को देने की कोशिश करनी है, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसी कार्बन को दो, और नहीं है तो उसके पास वाली, जो उसके सबसे पास वाली कार्बन है। तो नंबरिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई फंक्शनल। उसके बाद अगर डबल ट्रिपल सिंगल सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो उससे पहले प्रायोरिटी दो सारे बॉन्ड्स में सिंगल, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, और सबसे लास्ट में साइड चेन को नंबर करना है। मतलब अगर हमारे पास ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग कुछ इस तरह करनी पड़ेगी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर दिया जाए,
और सबसे बड़ा हो साइड चेन। और अगर सिर्फ साइड चेन हो तो हमें कोशिश करनी है साइड चेन को ही सबसे छोटा नंबर, या फिर डबल बॉन्ड हो, अकेली चीज ये एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो हमें कोशिश करनी है सबसे छोटा नंबर उसी को दिया जाए। और अगर जब हमें नाम लिखना है, अगर हम नाम लिखने की बात करें, ये रूल नंबरिंग का था, अब रूल फॉर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, इसके लिए जैसे हमने टेबल बनाई थी वैसे ही नाम लिखते जाना। सबसे पहले लिखो साइड चेन, फिर लिखो साइक्लोन, उसके बाद का लिखो कार्बन चेन, उसके बाद था बॉन्ड, और लिखना सबसे लास्ट में होता है फंक्शनल। लेकिन देखो यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, फंक्शनल को यहाँ पर सबसे लास्ट में, यहाँ पर सबसे पहले बॉन्ड, उसके बाद, और साइड चेन यहाँ पर सबसे पहला था, नंबरिंग के टाइम सबसे कम, सबसे छोटा नंबर, मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देन यस। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा होमोलोगस सीरीज। क्या है टॉपिक का नाम? होमोलोगस सीरीज। डेफिनेशन से पहले हम उसके कैरेक्टर्स करेंगे। डेफिनेशन से पहले हम इसके करेक्टर्स करेंगे। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि एक सीरीज, मतलब किसी अरेंजमेंट की बात हो रही है। जैसे एपीजीपी सीरीज पढ़ते हो ना आप मैथ्स में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब, इसी तरह होमोलोगस सीरीज है केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये है सी एच फोर, नेक्स्ट है सी टू एच सिक्स। सी एच फोर का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखूं इसका मतलब, सी एच टू सिक्स का मतलब ये, अगर तीन कार्बन की बात हो तो तीन कार्बन हाइड्रोजन देख लेते हैं, इसको मैं लिखूंगी C3 हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं डिफरेंस आएगा एक CH2। इन दोनों की बात करो, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस C, हाइड्रोजन के देखो उसमें 6 है इसमें 8 है, कितना डिफरेंस है, दो। तो यहाँ पर भी कितना डिफरेंस है सी एच टू। नेक्स्ट में अगर बात करूं वो नेक्स्ट हो जाएगी मेरी सी फोर एच, यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है सी एच टू। तो वो सीरीज जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर का गैप हो, पर्टिकुलर नंबर क्या है हमारे पास, वो सी एच टू यूनिट का गैप हो, उसी को हम होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। और अब इसे लिखने की बात आए, अगर मैं इसे लिखूं सी एन एच सी एन एच सी एन एच टू, देखो एन का नंबर कितना है 1, यहाँ फुल बनाते हैं इसको छोड़ो। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, मतलब एन का नंबर यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है 1, तो हाइड्रोजन क्या है 3 ज्यादा, तो एन प्लस 3 लिख सकती हूँ मैं। यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है 2, और यहाँ पर देखें कितना ऐड हो रहा है, इसमें 4 कार्बन, सॉरी 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा,
दो कार्बन है हमारी और चार हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर दो लिखूं तो मेरे पास हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देख लो, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर लिखूंगी तो n प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा 5 आ जाएगा। एक एक नंबर बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा? तो वो सीरीज, हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वो सीरीज जिसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें उसको हम होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। तो फर्स्ट करेक्टर हो गया इसका, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सेम जनरल फॉर्मूला। अब सेम जनरल फॉर्मूला से क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस क्या है? CH2 ही नई यूनिट ऐड होती जा रही थी, तो हम CH2 को लेकर एक नया फॉर्मूला वहां पर इन्वेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, हर एक का डिफरेंस क्या है? CH2 मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, हमें यही चीज एनी टू होमोलोग्यूज डिफर बाय वन कार्बन यूनिट एंड टू हाइड्रोजन यूनिट्स। ठीक है, अब जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैं बात कर रही थी मिथेनॉल की, बात कर रही थी इथेनॉल की, बात कर रही थी अगर मैं बोलूं ब्यूटेनॉल, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है? कार्बन का नंबर डिफर हो रहा है, लेकिन है तो क्या सारा का सारा अल्कोहल ग्रुप। तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? अल्कोहल की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, सबकी एक ही जैसी प्रॉपर्टी होगी क्योंकि सबके अंदर अल्कोहल होता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सारी सेम होती है। All the compounds of a homologous series show similar chemical properties. क्या show करती है? Similar chemical properties को show करते हैं। नेक्स्ट चल हमारा, अब देखो हम मास का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे? मास का डिफरेंस। एक कार्बन का मास होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है हमारा, एक कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन टू मास। तो हर फॉर्मूले में 14-14 ग्राम का फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा? 14-14 यूनिट्स का फर्क आ रहा है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 14 की ही अमाउंट हम डाल रहे हैं, हमेशा CH2 ही ऐड कर रहे हैं। 1 कार्बन का मास 12 और 2 हाइड्रोजन का मास 2, टोटल 14, तो हर बार CH2 ऐड कर रहे हैं, मतलब हमेशा हम कितना ऐड करते जाएंगे? 14 यूनिट्स ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर। किस हिसाब से पता चला? वो हमें कार्बन और हाइड्रोजन के मास से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द डिफरेंस इन molecular mass of any two adjacent homologous या homologous का मतलब उसके members और members is 14 unit। कितना होगा उसका mass? 14 unit। ये तो हो गए characters की बात। अब करेक्टर्स समझ में आ गए हमें, अगर तो डेफिनेशन हम आराम से कर लेंगे। डेफिनेशन क्या है उसकी? कि कोई भी सीरीज जैसे एसिड की सीरीज लेंगे तो एसिड का फॉर्मूला होगा सब में, अल्कोहल की सीरीज लेंगे तो सब में अल्कोहल का फॉर्मूला होगा। तो कोई भी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे OH अल्कोहल हो, COH ओलिक एसिड, मतलब सब में अगर एक में OH है तो सब में OH 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 हो, एक में COH है तो सब में COH COH COH। तो
उनके अंदर क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, और सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्या होगी उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बस डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ एक CH2 यूनिट का। तो अगर कभी भी कोई ऐसी यूनिट दिखती है जिसमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस दिखे, बाकी सारी चीज सेम हो, उसको हम बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी अ सीरीज ऑफ, अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच द मेंबर प्रेजेंट्स, इन विच द members present have same functional group, have same functional group, same functional group होगा तो क्या होगा, and similar chemical properties, and similar chemical प्रॉपर्टीज होगी हमारी। और साथ में क्या होगा, दो मेंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा, CH2 यूनिट का तो वही लिख देना, एंड NH2 एडजेसेंट मेंबर्स मतलब एक साथ जो रखे हुए एडजेसेंट मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, in a particular series differ in their molecule, differ in their molecular formula, differ in their molecular formula by a CH2 unit, by a CH2 unit, isko hi hum kya bol dete hain, is called हमारी homologous series। Example के तौर पे series लिख लो हमारी क्या होगी, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 are members of alkene family। इसके members हैं are members of alkane family। अगर इन्हीं सबके पीछे मैं OH OH लगा दूं, जैसे कैसे एक एक कार्बन का एक एक हाइड्रोजन का हो जाएगा CH3OH, C2H5OH, एक हाइड्रोजन की जगह ये आ जाएगा C3H7OH और C4H9OH are members of alcohol family। इसके मेंबर हैं ये अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स, राइट। तो ये हो गई हमारी कि हमें किसी भी सीरीज की पहचान कैसे होगी, सब में बस क्या डिफरेंस होगा, एक CH2 यूनिट का, और बाकी सारी चीजें सेम होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, उसकी फैमिली भी सेम होगी। तो ये हो गया हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर आज खत्म।